बच्चों हम आपको पार्ट तीन में जो कुछ पढ़ाए उसमें गुप्त काल के बारे में हम बताए थे। गुप्त काल प्राचीन भारत के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है, तो इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके और आज हमने आपको इस पर एक डिटेल क्वेश्चन दिया है जिसे आप नोट करेंगे। और ये गुप्त काल स्वर्ण युग की संज्ञा से कैसे दी गई, किस उपलब्धियों के किन उपलब्धियों के कारण दी गई, ये सारी चीजें हमने उसमें लिख दिया है और आप उसको लिख दिए और उसको आप पढ़ करके समझ जाएंगे। और बाकी इसके विषय में हम आपको समझा भी चुके हैं कि गुप्त काल में किस तरह चतुर्दिक सुख शांति और कला विज्ञान साहित्य की उन्नति वगैरह हुई, सब ऐसे कुछ बहुत बातें हमने इसके बारे में आपको समझाया। तो आज हम आपको ले चलते हैं अध्याय चार का नाम है विचारक विश्वास और इमारतें। ये सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से ईसा संवत 600 तक 1000 वर्षों का इतिहास। इसमें अध्याय चार में हम करीब 1000 साल पूर्व के इतिहास का अध्ययन करेंगे। जाति और धर्म हम सबने ही बनाए हैं,
ये जन्मगत कहीं से ऊपर से नहीं आया है, इसको हम लोगों ने ही बनाया। तो यहाँ पे हम आपको प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रांगण में हिंदू धर्म के प्रतिरोधी धर्म के रूप में जैन धर्म का अभ्युदय का नैतिकता का उदाहरण है, तो जैन धर्म के बारे में बताना है। जैन धर्म ईसा पूर्व छठी शताब्दी की धार्मिक क्रांति ने इस धर्म का विशेष योगदान रहा है। जैन धर्म में संसार दुख को दुखमूलक माना गया। मनुष्य जरा तथा मृत्यु, जरा से तात्पर्य बच्चों, जरा मतलब वृद्धावस्था, तो मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु से ग्रस्त है। इस संसार में जैन धर्म के अनुसार इस संसार में व्यक्ति वृद्धावस्था और मृत्यु से ग्रस्त है और तृष्णाएं उसे घेरी हुई रहती है। तृष्णाएं का क्या मतलब है? इच्छाएं, इच्छाओं से हम घिरे हुए हैं। कहते हैं इच्छाएं अनंत है, इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है। जहां एक इच्छा की पूर्ति होती है वहीं दूसरी इच्छा तुरंत जाग जाती है। तो इच्छाओं का कहीं अनंत नहीं है। हमारे दुख का मूल कारण तृष्णा ही है, इच्छा ही है। जब हमारे इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो हम अक्सर दुखी हो जाते हैं। यदि हम इच्छाओं को त्याग दें तो हमारा दुख दूर हो सकता है। जैन धर्म में महावीर स्वामी का नाम आता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, ये 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो जैन धर्म, आइए हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तो जैन धर्म का प्रवर्तक कौन था? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म छठी शताब्दी से पूर्व की देन नहीं है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। कुछ विद्वान इसका संबंध सैंधव सभ्यता से, सैंधव सभ्यता में जो एक योगी की मूर्ति मिली है उससे जोड़ते। तो कुछ विद्वान कुछ और मानते हैं। ऋषभ देव का नाम आया जिस समय ऋषभ देव का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय भारत अत्यंत असभ्य और पिछड़ा हुआ था। भारत असभ्य और पिछड़ा था। ऋषभ देव ने अपने ज्ञान से लोगों को दिग्दर्शित किया और उन्हें सन्मार्ग दिखाया। ऋषभ देव जो थे इन्होंने लोगों को अपने ज्ञान से दिग्दर्शित किया और उनको क्या किया? सन्मार्ग दिखाया।
सही मार्ग दिखाए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के निर्देशन में जैन धर्म पुष्पित एवं पल्लवित हुआ। ये पार्श्वनाथ जो है ये ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था
और इनका बड़े होने पर इनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ। ये यशोदा से इनका विवाह हुआ और इन्हें पुत्र की भी प्राप्ति हुई, परंतु इन्हें सांसारिक जीवन बंधन ग्रस्त लगने लगा। बिल्कुल ऐसे ही महात्मा बुद्ध के जीवन की गाथा को सुनने में भी लगेगा आपको। उस महात्मा बुद्ध के जीवन में भी जब एक पुत्र रत्न की प्राप्ति उन्हें होती है तो उनका भी जीवन जो है उन्हें भी कोई खुशी नहीं होती। इसी तरह महावीर स्वामी को भी जब एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो इन्हें सांसारिक जीवन बंधन ग्रस्त लगने लगा। 30 वर्ष की अवस्था में ये परिव्राजक बनकर सच्चे ज्ञान की तलाश में इधर उधर भ्रमण कर ली, यानी 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़कर ये इधर उधर ज्ञान की खोज में भटकने लगे और 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। 12 वर्ष तक क्या कहा जा रहा है कि 30 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़कर जगह जगह ज्ञान प्राप्ति के लिए भटकने लगे और 12 वर्षों तक इन्होंने घोर तपस्या की। इसके बाद जुम्बिका ग्राम के निकट रेजोपालिका नदी के किनारे इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति हुई, कैवल्य मीन्स ज्ञान, कैवल्य माने ज्ञान। तो इन्हें रेजोपालिका नदी के किनारे 12 वर्षों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इंद्रियों को वशीभूत कर लेने के कारण ये जिन कहलाए तथा तपस्वी जीवन में महान पराक्रम प्रदर्शित करने के कारण महावीर बने, यानी जिन से ही जैन बना तो पराक्रम प्रदर्शित करने के कारण ये महावीर कहलाए। वर्धमान महावीर ने अपनी अद्भुत प्रतिभा तथा बुद्धि से पार्श्वनाथ द्वारा प्रचलित सिद्धांतों में आवश्यक परिवर्तन एवं संवर्धन किया। महावीर के महावश से विदित होता है कि मगध एवं अंग तक सीमित जनजाति को लंका के अनुराधापुरम तक विस्तृत किया गया, यानी जैन धर्म का इन्होंने जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये प्रचार प्रसार करना इन्होंने शुरू किया और दूर दूर तक। महावीर स्वामी को जैन धर्म के प्रचार में राजवंशों से सहायता मिली। महावीर स्वामी के 11 प्रधान शिष्य थे। जैन धर्म के ये महावीर स्वामी के पश्चात सुधर्मन जैन धर्म का अध्यक्ष हो गया और सुधर्मन ने अपने शिष्य जम्बू को जैन धर्म का संचालन सौंप कर मोक्ष ग्रहण किया। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन कौन से थे, वो 24ों का नाम जैसे 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। मुख्य के बारे में बच्चों आपको हमने बताया 3 के बारे में, लेकिन इनके जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। पहला तो आप जान गए ऋषभदेव और अंतिम जान गए महावीर स्वामी, लेकिन बीच के आप लोगों को नहीं बताया गया। तो बीच में ऋषभदेव के बाद सांबनाथ, सुमितनाथ और सुपार्श्वनाथ प्रभु, शीतलनाथ, वसुपूज्य और अनंतनाथ, कुंथनाथ, मल्लीनाथ, नवीनाथ, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन, प्रद्य प्रभु, इस तरह से इनके नाम हैं। तो सबके
बारे में जानना उतना आपको आवश्यक नहीं है, आप इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से जानिए। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। कभी कभी बच्चों ये पूछते था कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो जैन धर्म के प्रवर्तक हमने आपको अच्छी तरह बताया कि जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे। आप बच्चे भूल कर जाते हैं और बता देते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक थे और ये प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। उसके बाद हमने आपको समझाया पार्श्वनाथ के बारे में, ये 23वें तीर्थंकर थे, जिसके बाद आते हैं महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के बारे में आपको अच्छी तरह पता हो गया, तो ये 30 वर्षों तक अपने धर्म का प्रचार करते रहे। 30 वर्ष के बाद ये इन्होंने घर त्यागा। 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया। 30 वर्ष अपने धर्म का प्रचार करते रहे। कितने वर्ष जीवित रहे? 30, 60 और 12, 72 वर्ष की आयु में इन्हें आयु के बाद इनकी मृत्यु हुई। जैन धर्म के त्रिरत्न लौकिक सुखों से आगे जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत 5 महाव्रत के बारे में भी जानना है। जैन धर्म ये मानता है कि संसार की सभी वस्तुएं दुखमूलक है। संसार की समस्त सुखमय वस्तुएं दुखमूलक है, दुख देने वाली है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति तृष्णा और मोह हमारे कर्मों का कारण है। सांसारिक वस्तुओं से हम जो लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, वो हमारे कर्मों का कारण है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए कर्मों का नाश आवश्यक है। कर्मों से छुटकारा दिलाकर मोक्ष की ओर प्रवृत्त होने के लिए त्रिरत्न के पालन का निर्देश इन्होंने दिया है कि हमें सांसारिक मोह माया से दूर होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या 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 चीजें आवश्यक है, इसके लिए उन्होंने त्रिरत्नों के बारे में बताया कि जैन धर्म के वो त्रिरत्न कहलाते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। पहला है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक श्रद्धा, यानी पहला आपने में सम्यक श्रद्धा, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक चरित्र। तो सम्यक श्रद्धा, यथार्थ को स्वीकारना, तो सम्यक श्रद्धा का मतलब यथार्थ को, सत्य को स्वीकार कर लेना। तो सम्यक यहाँ पे आपको हम देते हैं, इन त्रिरत्नों के बारे में पहला है सम्यक श्रद्धा। सम्यक
चरित्र का मतलब आचरण के प्रति सजग रहे। महावीर स्वामी ने आत्मा में अनेकता मानी, उन्होंने तप पर अधिक बल दिया। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के पांच महाव्रत का के पालन के लिए बताया। ये पांच महाव्रत जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके बारे में आपको पता है, ये त्रिरत्न है। त्रिरत्न किसके हैं? महावीर स्वामी के हैं जैन धर्म में। तो इन त्रिरत्नों के नाम देने होंगे तो आपको नाम याद होने चाहिए। उसके बाद पांच महावीर स्वामी ने पांच महाव्रत को भी उचित ठहराया। तो पांच महाव्रत में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने बताया कि इन पांच महाव्रतों का पालन प्रत्येक जैनी को, प्रत्येक भिक्षु भिक्षुणी के लिए अनिवार्य बताया। महावीर स्वामी ने कहा कि पांच महाव्रतों का पालन करना प्रत्येक जैनी के लिए, प्रत्येक जैन धर्म को मानने वालों के लिए, प्रत्येक भिक्षु भिक्षुणी के लिए, यानी भिक्षु भिक्षुणिया ये सब क्या थी, ये धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षु भिक्षुणिया घूम घूम कर जो है थी प्रचार प्रसार करती थी। तो इनके लिए ये पांचों धर्मों का, पांच महाव्रत का पालन करना अति आवश्यक था। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की छूट दे रखी थी, परंतु महावीर स्वामी ने सांसारिक आसक्ति से पूर्णतः दूर रहने के लिए नग्नता का वर्णन किया था। जब महावीर स्वामी ने तपस्या की, उसके बाद नग्न तपस्या उन्होंने किया, नग्नता पर इन्होंने जो, जब ये प्रचार कर रहे थे अपने धर्म का, तो जैन धर्म में क्या था, ये नग्न तपस्या किए और इनको लोग देखकर चिढ़ाया करते थे, मारा करते थे, लेकिन इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन तेजे तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कहा कि इन भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की छूट दे रखी थी। आगे चलकर इसी आधार पर जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया। जैन धर्म दो चरणों में विभाजित हो, यानी आगे चलकर जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गए, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। जैन धर्म क्या था पहले, इसके बारे में जानते हैं। ये त्रिरत्न है, और उसके बाद पांच महाव्रत है, पांच महाव्रत में पहला सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, दूसरा सत्य और तीसरा अस्तेय। तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। पांचवा आएंगे, पांच महाव्रत है तो पांचवा में ब्रह्मचर्य है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जैन धर्म में महावीर स्वामी द्वारा बताए गए
उसके बाद हम आते हैं पांच महाव्रत, ये हो गया। पांच महाव्रतों के बारे में भी अच्छी तरह पता हो गया। अब आगे चलते हैं कि जैन धर्म, कुछ आगे चलकर जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, यानी दो संप्रदाय इसके हो गए। दो तरह के मानने वाले लोग हैं, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। इस तरह से श्वेतांबर और दिगंबर ये दो संप्रदायों में जैन धर्म में विभाजित हो गया। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग क्या करते थे, वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के जैनी लोग नग्न रहते, वस्त्र धारण नहीं करते थे, जैसा कि महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी दिगंबर संप्रदाय के माने जाते हैं। तो इस तरह से बौद्ध धर्म से जैन धर्म कठोर था, इसलिए यह अधिक दिनों तक चला नहीं, फला फूला नहीं। बौद्ध धर्म ज्यादा विकसित हुआ, ज्यादा उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो जैन धर्म में सम्यक ज्ञान के कई प्रकार हैं। तो जैन धर्म में सम्यक ज्ञान के पांच प्रकार बताए। पहला मति, मति से मतलब मस्तिष्क द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, और दूसरा श्रुति यानी सुनने से प्राप्त होने वाला ज्ञान, और तीसरा है अवधि यानी दूर की चीज का उत्कृष्ट ज्ञान, चौथा मन पर्याय दूसरों के बातों का ज्ञान, और पांचवा है केवल पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम आज के दिन इतना ही, और आगे जो है अब आपको